अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक, वो भी बिना ओवन के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है जिसे आप झटपट बना सकती हैं। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं और ऑरेंजेस का मौसम है, तो आज मैं आपको ऑरेंज केक की रेसिपी देने जा रही हूं, जिसे आप शाम की चाय के साथ झटपट बना सकती हैं। और इसे आप गर्म भी सर्व कर सकती हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकती हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट आज हम केक बनाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेकरीज वगैरह पे मिलता है, तो ऊपर से इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा और बीच में से ये बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही स्पंजी होगा। इसके लिए सबसे पहले हम कैरमल तैयार करेंगे। कैरमल के लिए हम 1 कप चीनी लेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करेंगे। 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसे मीडियम हीट पर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई हीट पर आपने इसे पकाना नहीं है, मीडियम हीट ही हमने रखनी है। ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अलावा, टॉपिंग के अलावा, मैंने इसका क्रंच भी बनाना है। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी आधा कर सकती हैं, क्योंकि आधी क्वांटिटी से भी बहुत ही अच्छा कैरमल बन जाता है और केक की टॉपिंग हो जाती है। तो हम इसे मीडियम हीट पर ब्राउन करेंगे। अगर आप चाहती हैं कि इसका कलर ऊपर से वाइट ही रहे, तो आप इसे ज़्यादा ब्राउन मत करें। मैं थोड़ा सा इसे ब्राउन करूँगी, इसलिए मैंने चीनी को भी थोड़ा सा डार्क कलर दिया है। अब हम गरम गरम कैरमल को एक केक टिन में डालेंगे। केक टिन में आपने लाइनिंग कर लेनी है। इस तरह हम गरम गरम फैला कर लगाएंगे। ठंडा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये स्प्रेड नहीं हो सकेगा। अब हम ऑरेंजेस के पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे और इसमें से सीड्स निकाल कर इसे इस तरह करके सेट करेंगे। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो चेरीज तो आप बीच में ये भी लगा लें, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब हम केक का मिक्सर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 4 अदद अंडे चाहिए, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि फ्रिज में ना रखे हों। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप इसे फ्रिज में से निकाल लें। अब हम इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। 1 कप हम चीनी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप हैंड वेस्ट से कर रहे हैं तो आप इसमें पाउडर चीनी यूज़ करें। मैं बारीक वाली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, तो इसमें से ये आसानी से हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे क्रीमी होने तक बीट करना है। ये आप देख सकती हैं कि अच्छे से क्रीमी हो गया और इसका कलर भी लाइट हो गया है, पेल हो गया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1/3 कप। 1/3 कप हमने इसमें ऑयल, जो सिंपल वेजिटेबल ऑयल होता है, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कुकिंग में, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये ऑरेंज जेस्ट है, यानी कि ऑरेंज आप लेंगी और इसे कद्दूकश करेंगी। 2 चम्मच, 2 चाय के चम्मच आप ये छिलका इसमें ऐड करेंगे। ऑरेंज का जो छिलका होता है, सिंपली आपने उसे ग्रेट कर लेना है और 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज जूस शामिल करेंगे, 1/3 कप, यानी ये भी हमने 1/3 कप हमने इसमें ऐड कर लेना है। 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 कप। मैं यहाँ पर 1.5 कप मैं मैदा ले रही हूँ, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे कहते हैं। ये सिंपल मैदा है, 1.5 कप मैंने ये छलनी में डाला। और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी मैं बेकिंग के लिए आपको कोई चीज़ बताती हूँ, तो मैं बेकिंग पाउडर आपको रिकमेंड करती हूँ कि वो नया वाला हो, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा ना हो और अच्छी क्वालिटी का हो। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इस तरह करके ड्राई मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड आपने नहीं रखनी, हल्का सा हमने इसे बीट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसे वुडन इस तरह करके स्पैटुला से भी आप इसे मिक्स कर सकती हैं, फोल्ड कर सकती हैं। तो ये केक का बैटर हमारा तैयार है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये आप देख सकती हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे, जो कि हमने तैयार करके रखा था। मोल्ड में आप पहले से बटर पेपर लगा लें, बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल बटर लगा लें सिर्फ।
ये सारा हमने इसमें ऐड कर लिया है। हल्का सा हम इसे टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हों वो इससे स्केप हो जाएं। अब हम इसे ओवन में या फिर पतीले में बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहती हैं तो 160 डिग्री पर आप इसे 30 मिनट के लिए बेक कर लें। मैं यहाँ पे इसे पतीले में बेक कर रही हूँ तो 30 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी लो फ्लेम पर, बिल्कुल जो दम वाली आँच होती है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा आँच पर मैं इसे कुक करूँगी। एक कप हम लेंगे इस तरह छोटा, एल्यूमिनियम का कोई ले लें, मेटल का ले लें, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, साइड पे रखें। इससे ये होगा कि केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और केक राइज नहीं होगा बीच में से। अब हम इसे ढककर, अच्छी तरह से ढककर हम इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पर। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे ओपन कर लिया है लेकिन ये अभी भी नहीं हुआ, तो मैं इसे मज़ीद 10 मिनट दूंगी। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें वुडन स्क्यूअर या फिर कोई टूथपिक वगैरह ऐड करेंगे बिल्कुल सेंटर में। अगर वो क्लीन निकल आए तो केक हमारा रेडी है। इस तरह करके बिल्कुल सेंटर में आपने इस तरह आपने चेक कर लेना है बिल्कुल क्लीन है तो केक हमारा रेडी है। इस तरह हम इसे निकालेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे मुकम्मल ठंडा होने देना है। और इसके बाद इसके साइड्स हम इस तरह करके स्क्रैप करेंगे और इसे टर्न करेंगे। मैं यहाँ पे इसका जो कवर है वो गरम गरम ही हटा रही हूँ, तो इसकी जो टॉपिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी तरह से ठंडा होने पर आप इसे ओपन करें और इसका जो कवर वगैरह है वो आप हटा दें। तो ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकती हैं कि कितना स्पंजी हमारा केक तैयार हुआ है, वो भी बिना ओवन के। तो ये सिंपल सी केक की रेसिपी है जो कि झटपट तैयार होने वाली है। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।